walking alone in the middle of the night. We shine bright than a diamond. We were strangers at the start. Now we can't be apart. Sitting in the back of the cab, listen to hits from the past. Memories slowly arouse. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Whenever I'm not with you, it feels like falling down. I can't stop thinking about you. Stop thinking about you. Assalamu alaikum. Khanspur se aap sabhi dekhne walon ko गुड मॉर्निंग. और इस वक्त मैं हूँ -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून है, बहुत ही ज़्यादा खामोशी है, क्योंकि आसपास कोई फैमिली, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें लोग रहते हों मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स और हॉस्टल्स बने हुए हैं और सिर्फ हम ही हैं जो यहाँ पर आए हैं इतनी ज़्यादा बर्फबारी और इतनी शदीद सर्दी में. सुबह हुई है अभी, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सनराइज़ का टाइम लैप्स बनाऊँ, लेकिन बैक साइड पर मेरे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सनराइज़ नहीं ले सकूँगा. तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक परफेक्ट टाइम लैप्स बना सकूँ सनराइज़ का, तो और आपसे आपको फिर दिखा सकूँ कि यहाँ की खूबसूरती किस लेवल की है. वैसे सर्दी के मौसम में बर्फ़ खाने का भी अलग ही मज़ा होता है, और ट्राई करते हैं. मैंने नाश्ता नहीं किया, भूख लग रही है, तो मैंने सोचा बर्फ ही खा लो. आज हमारा ये सीनर कि हम नथिया गली और अयूबिया चेयर लिफ्ट पर जाएंगे. बॉयस अभी तक सो रहे हैं जैसे कल सो रहे थे. देखते हैं कब उठते हैं, फिर हम कब जाते हैं. मुझे यहाँ वॉकिंग करते हुए एक चीज़ फील हो रही है कि यार ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई जंगली जानवर निकल आए, क्योंकि ये जो बूरबन का हॉस्टल है ये जंगल के बिल्कुल आसपास ही है. तो कुत्तों की तो आवाज़ें आ रही थी, मुझे नहीं लगता यहाँ भेड़िए हों ना हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है. तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना होगा. अगर लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते के ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और लोग नहीं रहते, अमूमन भेड़िए अपना गुजारा वहीं करते हैं. मुझे अभी यहाँ पे जानवरों के पैर नज़र आए हैं, और थोड़ा सा ही आगे वो किसी चीज़ को घसीटते हुए लेके गए हैं अंदर की तरफ. ये चेक करें, जानवरों के पैर के बाद ये चीज़ आई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घसीटते हुए किसी चीज़ को जंगल की तरफ लेके गए हैं. आई डोंट नो क्या था वो और कौन से जानवर थे, लेकिन सीरियसली दिस इज़ सच अ हॉन्टेड प्लेस. कोई नहीं है, बंदा ना बंदे की ज़ात, बिल्कुल सन्नाटा, सारे घर खाली पड़े हुए हैं, बस बर्फ है, परिंदों की आवाज़ें हैं और आपका भाई है. तो भैया उससे पहले कि बर्फ़ हमारे जिस्म के अंदर जाए, हमारे कपड़ों के अंदर जाए और हमें सर्दी लगने लगे और हम आगे एडवेंचर ना ले सकें, कैमरे को यहीं रोको, अपने आप को साफ करो और यहाँ से निकलो. यार मुझे लग रहा था कि मैंने दो टोपे पहने हुए हैं और बर्फ़ में खेलते वक्त एक टोपा उतर गया है, तो मेरा पूरा जैकेट अभी बर्फ़ से भर गया था. मैंने इसको झाड़ा है, इसके अंदर अंदर तक बर्फ़ चली गई थी, तो इसको मैंने अभी झाड़ा है. अब उसी जगह पे दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि वो टोपा फैजान बेचता है. अच्छा
अच्छा यहाँ पे ज़रा ध्यान से चलना है, ये पानी पिघल के ना बर्फ़ बन जाता है, वो स्लिपरी होता है बहुत ज़्यादा। हाँ तो वो टोपा फैजान का था, और अगर वो टोपा ना मिला तो मुझे अपना टोपा देना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं यार, चेक करो बर्फ़ चेक करो, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई आया ही नहीं है अभी तक। दिल चाह रहा है इसमें भी कूद जाऊँ, लेकिन अपनी सेहत भी आ रही है। लेट्स गो टू दैट प्लेस टू फाइंड दैट टोपा, उसके बाद मैं जाऊँगा हॉस्टल और कंबल में घुस जाना है। ये रास्ते हमें बहुत याद आएंगे, ज़िंदगी के कुछ दिन ही होते हैं जिसमें हम इस तरह के रास्ते और इस तरह के मोमेंट्स गुजार पाते हैं। ये जगह हैं, ये सारे रास्ते, परिंदों की आवाज़ें, खूबसूरती, खामोशी, ये सब बहुत याद आएगी। This is beautiful.